स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो आगामी एआईटीटी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। यह वीडियो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का तीसरा पार्ट है और इसके बाद भी, इसके पहले दो पार्ट हम लोग लेकर आए थे और इसके बाद भी और इसका 3-4 पार्ट बनेगा इस चैप्टर से। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और घर बैठकर तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो बिल्कुल देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, और अगर पूरा शुरू से देखा जाए तो ये 23वां क्वेश्चन है। प्रोट्रैक्टर यानी चांदा कौन मापने का उपकरण है, ये हम सभी को पता है, लेकिन ये जो कौन को मापता है, ये किस माप में मापता है, डिग्री में या रेडियन में या मिनट में या रैखिक माप में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी डिग्री में कौन मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोट्रैक्टर से कितनी शुद्धता में कौन मापे वो बनाए जा सकते हैं, यानी प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके, यूज करके हम लोग मिनिमम कितना डिग्री का कौन बना सकते हैं, यानी इसका लिस्ट काउंट कितना है। तो एक डिग्री इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य प्रोट्रैक्टर से नहीं किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे चार काम दिया गया है, चार काम के बारे में ऑप्शन में दिया गया है, उसमें कुछ बताया गया है कि इसमें से कौन सा नहीं किया जा सकता है। पहला है कौन मापना, दूसरा है कौन बनाना, तीसरा है वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे कौन सा काम प्रोट्रैक्टर से नहीं किया जा सकता है बोला गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों प्रोट्रैक्टर की सहायता से किया जा सकता है। आप उसमें कौन माप सकते हैं, उसकी सहायता से आप कौन बना भी सकते हैं, और किसी वृत्त को विभाजित करके उसका सेक्टर भी बना सकते हैं। तो ये सभी काम जो है प्रोट्रैक्टर की सहायता से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोट्रैक्टर बनाने के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सेलुलॉइड। सेलुलॉइड का प्रयोग करके प्रोट्रैक्टर बनाया जाता है। वह ना तो लकड़ी का होता है, ना ही स्टील का होता है, ना ही रबड़ का होता है। उसका सही उत्तर है सेलुलॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। तो तकनीकी ड्राइंग मतलब जितना भी टेक्निकल पढ़ाई होता है, तो उसमें ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो पेंसिल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसको पेंसिल की लंबाई या व्यास या उसके रंग के अनुसार उसको हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डालते हैं उसका ग्रेड के अनुसार। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पेंसिल का ग्रेड इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में पेंसिल का ग्रेड बताया गया है और पूछा गया है सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो 9H सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल है। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखाएं यानी कंस्ट्रक्शन लाइन, जब किसी जॉब को हम लोग बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब होता है बनाने के समय जो प्रयोग करते हैं जिस लाइन का, या फिर उसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि बाहर से जितना भी लाइन खींचा हुआ रहता है, ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन है।
उसके लिए कौन सा ग्रेड उचित होता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उसमें 2H या 3H का पेंसिल हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड क्या है। तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड इसमें पूछा गया है ऑप्शन है 6B या HB या 9H या 5H। ये 9H तो सबसे हार्ड होता है, और सबसे सॉफ्ट अगर देखा जाए तो 6B, यहाँ पे जो इतना दिया हुआ है इसमें से सबसे सॉफ्ट है 6B। चलिए, अगला क्वेश्चन है पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। अभी तो हम लोग उसका जो ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन हम लोगों को मिला, तो ये ग्रेड अलग अलग जो है उसका हार्डनेस, जैसे जैसे अलग अलग ग्रेड होगा तो उसका हार्डनेस भी अलग अलग होगा, और ये हार्डनेस अलग अलग होने का कारण जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि हार्डनेस किसी में कम है या अधिक है वो किस पे डिपेंड करता है, इस सवाल का मतलब है। तो उसका सही उत्तर है, अच्छा चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, काओलाइन की मात्रा, सिक्के की मोटाई, ग्रेफाइट की मात्रा या पेंसिल की लंबाई। तो इसका सही उत्तर है काओलाइन की मात्रा। कोई पेंसिल का लेड अगर हार्ड है या सॉफ्ट है ये डिपेंड करता है उसका उस पर काओलाइन की मात्रा के ऊपर। चलिए, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग इस वीडियो के बाद 33 नंबर से अगला वीडियो 33 नंबर से लेकर 41 नंबर तक का वीडियो बनेगा, आप लोग जरूर देखिएगा उसको भी। ये लास्ट क्वेश्चन है, अक्षरांकन वह आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है।